खाते हुए गाड़ी में मना कर रहा था, लेकिन इसको पकड़ा गया है। 3 गुटके इसने वहाँ खरीदे हैं। गुटका खाया गाड़ी में बैठे बैठे, और गाड़ी में इतनी गंदी स्मेल आई कि हमने उसको उतार के अब 100। वेलकम गाइस टू अनदर व्लॉग, और आज हमारे व्लॉग की शुरुआत एक नई तरीके से होती है। तेजू पीछे बैठे, मैं तरह से वीडियो बनाऊंगा। ये हमारे साथ आज जा रहे हैं तेजू भैया, और ये जा रहे हैं हमारे साथ छुटुआ। फर्स्ट क्लास एकदम अभी नशे में है, क्योंकि कल ये गाड़ी पूरी रात चला के आए हैं नाइट में, फर्स्ट क्लास। चलो छुटुआ, एंड हमारे साथ जा रहे हैं हमारे हैशटैग दुश्मन पार्ट टू कुणाल खोबियान, एंड बीच में नीशु स्पीकर वीकर लेके बैठे हैं फुल एकदम। मास्क पहन रखा है नीशु, मास्क उतार तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये तेजू भैया हमारे वर्ल्ड फेमस 60 फुटर उड़ गए। बाकी गाइस फुल फुल हमारी तैयारी हो चुकी है निकलने की। अब आज हम एक नए रोड ट्रिप पे निकल रहे हैं, हमारे लिए एक नया रोड ट्रिप है ये। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। छोटो एसी ऑन कर रखे हो क्या? तभी एसी ऑन है छोटो, आप बंद कर। और तो गाइस फाइनली ये है अब तक हमारा प्लान कि हम लोगों ने जाना है सबसे पहले कोशी, एंड देन कोशी से हम लोग जाएंगे वाकई बिहारी वृंदावन दर्शन करने निशु और के शायद तेजू भी। आप लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हो? सेकंड टाइम है फर्स्ट टाइम है? थर्ड टाइम है निशु का। दुश्मन तो हमारे साथ जाते रहता है, वो हमारा बचपन का दोस्त है। बाकी तेजू भैया फर्स्ट, तेजू भी आपका फर्स्ट टाइम है? ओके, तो फिर फाइनली गाइस अब आपको बताते हैं। अभी आगे हमने इसमें पेट्रोल भराना है, पैसा बहुत है हमारे पास, फुल तेल भरवाएंगे फुल, दिक्कत वाली दाल नहीं है, पैसा बहुत है। छोटो इधर लो, लेफ्ट लो, लेफ्ट लेफ्ट लो, लेफ्ट में लेके सीधा मेन रोड पे हम सीधा निकल जाएंगे। और यहाँ से सूतन सूत में ऐसे जाएंगे, अब गाड़ी हमारी सीधा 100-120 से तो नीचे जाएगी नहीं, सीधा 80-100, सीधा 80-100 भगेगी नहीं। तो गाइस यहाँ पे भी मैं कैमरा सेटअप करने वाला हूँ अपना एक बढ़िया सा, क्योंकि यहाँ से आराम से फर्स्ट क्लास मेरा वाइड एंगल वीडियो बनती रहे। बाकी मेरे सारे मो फैंस के लिए मो मिलते हैं, जय श्री राधे राधे। तो देन फाइनली गाइस हम लोग आए हैं अभी सीएनजी भरवाने, और मैंने कहा था पेट्रोल बहुत है हमारी गाड़ी में, लेकिन हम सीएनजी पे भी चलते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम केजरीवाल जी के सपोर्टर हैं, तब चाहते हैं कि अपना प्रदूषण फ्री गाड़ी रहे। बाकी हमारे छोटुआ जी हैं थोड़े नींद में, इनकी आंखों, ये कहते हैं हमारी आंखें नशीली हैं, तो क्या कहना चाहते हो तुम? तुम्हारी आंखें नशीली हैं? और क्या नशीली तो रही भाई। चलो, और निशु तुमने मास्क पूरा फॉलो कर रहे हो, और इन्होंने स्पीकर ले रखा है बाजा बजाने के लिए, जैसे गांव में होते हैं ना पियानो वाले बजाने वाले शादी में, तो ये भी पूरा वैसे ही बजाएंगे। अभी इन्होंने माइक भी लेंगे उसमें, और यहाँ भी पियानो बजाएंगे। आज मेरे यार की शादी, और मिस्टर खोबियान जी और मिस्टर यादव जी फुल नींद में हैं, और अपना बजाते हुए जाएंगे भी जोश जोश में हम लोग, कोई किसी चीज की दिक्कत नहीं है। मेरी डीओ पड़ा हुआ है गाड़ी के, डीओ लाया कोई परफ्यूम नाइट बंद कर दिया तो जमीन सब खत्म कर दी। चलो कोई नहीं, हम उतरते हैं फिर उसके बाद सीएनजी भरवा लें। सो फाइनली गाइस हम लोग फरीदाबाद क्रॉस कर चुके हैं, और एक दिन पहले मैं थोड़ा साउंड नोटिफिकेशन आप ठीक है। तो हम लोग फरीदाबाद क्रॉस कर चुके हैं, और अब हम हार्डली कितने थोड़ा सा आगे आए होंगे फरीदाबाद से, बल्लभगढ़ तक आए हैं, यहाँ तक मेट्रो आती है बल्लभगढ़ है, बालगढ़ तो उधर है सोनीपत तो हाईवे पे। बाकी इधर तो हमारी गाड़ी में फास्टैग था, लेकिन फास्टैग यूज नहीं करा तो हमारे को डबल पे टोल करना पड़ा, जो कि है 52 रुपये। वैसे 25 रुपये है, लेकिन अभी उन्होंने 52 रुपये लिया। सालों ने पहले वैसे किसान आंदोलन जब था तब तक फ्री टोल था, लास्ट मंथ में आया था वृंदावन, इस महीने ज्यादा है। तो बाकी अब निशु भी थोड़ा सोने की तैयारी में है, मास्क उतार दो निशु, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे जिस टाइम आप यूपी में, अभी अपना देश है यूपी, यहाँ पर चलता है। हाँ, जैसे यहाँ पे सबके अपने मामा चाचा भतीजे, कोई ना कोई एमएलए, कोई कोई कहीं कुछ है, कोई कुछ है। सबसे बड़ी चीज है कि सारे के सारे यूपी के, कोई बिहार का, हाँ कोई बिहार का ही नहीं, सब यूपी के हैं, कोई दिल्ली से नहीं है, क्योंकि दिल्ली से सब बैंच होता है, इसलिए कोई यूपी, सब यूपी से है अपने, सारे के सारे, सब कानपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, गुजरात, कोई कहीं नहीं, सिर्फ मैं कह रहा हूँ कोई अहमदाबाद गुजरात से नहीं है, सिर्फ यूपी से है, लखनऊ कानपुर वाले। ये क्या वीडियो कैसे ऑफ हो गई? ओ यार वो कह रहे टू फ्लैश हॉट, इसलिए हम आपकी वीडियो क्लोज कर रहे हैं। चलो अब आगे मिलते हैं आपको। तो फाइनली
गाइस हम लोग अभी नहीं उसमें माइक में भी चाह ऐसा है कि अभी माइक में बोल नहीं सकते, हम सो रहे हैं, बाकी बंदे इसे हम सो रहे हैं। बाकी अभी ये टोल आया हुआ थोड़ा सा बल्लभगढ़ से आगे, आपने देखा होगा, तो इस टोल के पास अभी हम लोग रुके हुए थे। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी फंसकर चलते हैं, छोटों का थोड़ा बहुत अपना नींद आए इस चक्कर में हम उसको चाय पिला रहे हैं। बाकी छोटों क्योंकि कल रात पूरी रात गाड़ी चला के आया है प्रतापगढ़ से दिल्ली, सुल्तानपुर से सॉरी दिल्ली आया था, तो 500 कुछ 600 किलोमीटर की जर्नी रही थी उसकी, तो आज वो फिर से जर्नी में निकल चुका है एक नए एडवेंचर एक नए दोस्तों के साथ, और वो फुल जोश में है क्योंकि अभी लौंडे की नई शादी हुई है, तो साली की शादी भी करके आया तो उसको ज़्यादा जोश है कि, और थोड़ा अंदर से नाराज भी है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, छोटू सबके साथ होता है, मंदी सबकी अपना एक दिन जाती है, पीछे से ट्रक का ट्रैफिक आ रहा होगा। अभी चाय पियेंगे, थोड़ा चिप्स विप्स लेंगे, गाड़ी में बैठे खाएंगे, क्योंकि मैं तो चाय पीता हूँ, जैसे दिन में एक बार चाय पीता हूँ सुबह बस। बाकी निशु है अपना और उनके ऊपर 100-100 पेनल्टी लगाएगा, निशु और खुद का खाएंगे तो उनको 100 रुपये गाड़ी देने पड़ेंगे छोटू ये खा लिए भाई। नहीं तो वो क्या ये खाए हैं तेरू, क्या क्या खाए, बिच खाए, बिच खाए, बिच खाए, बिच खाए, बिच खाए, अभी गाड़ी में गुटके की स्मेल ज्यादा होती है। अभी आप भूख के नहीं उतरोगे अगर गाड़ी से बैठने में लगोगे तो कुल्ला करके पानी का, कुल्ला करके पानी का। ओके गाइस, सो अब हम आपको मिलते हैं आगे, जैसे कहीं भी रुकेंगे आपको अपडेट देते रहेंगे। सो गुड नाइट, बाय। सो फाइनली गाइस, अभी निशु को देखो, हमने गुटका खाते हुए गाड़ी में मना करा था लेकिन इसको पकड़ा गया है, 3 गुटके इसने वहाँ खरीदे हैं और अब इसको यहाँ पकड़ा गया। देखो इसने यहाँ पे कुल्ला करा अभी गुटके का, ये देखो इसको हमने गाड़ी में मारते एकदम से स्मेल आ गई पूरी, देखो अब यहाँ मतलब इसको हमने घर से मना करके आए हैं कि यार नहीं खाना गुटका, मतलब नहीं खाना, उसके बाद भी इसने यहाँ पे भी गुटका खाया गाड़ी में बैठे बैठे, और गाड़ी में इतनी गंदी स्मेल आई कि हमने उसको उतार के अब, और अब 100 रुपये हमने इस पर पेनल्टी रखी हुई थी कि 100 रुपये हमने इस पर पेनल्टी रखी थी कि 100 रुपये इसने देने हैं तो देने हैं। अब ये अभी जोर दिया, अगर आप गुटका भरा तो भाई अब फिर से 50 रुपये प्लस उतरेंगे, देगा तू पक्की बात है, दांत मत दिखा अपने, अब तू देगा, फैक्ट है, देने हैं तेरे को 500 रुपये। क्यों भाई तेजू भी ऐसा ही कह रहा हूँ, कह रहा हूँ 500, अब अगली बार आप खाएगा आप 50 रुपये, आप 50 रुपये जितनी मर्जी बार खा दो 50 रुपये, अगर दोबारा गुटका भाई क्या कहता है मैं खरीद रहा हूँ खाऊंगा नहीं, डीलर डीलर कोई भी क्यों ना हो, तो पहले समझना चाहिए खरीदा है तो खाएगा यार, तुम गाड़ी हमें देगा भाई प्लेंटी देगा, हाँ हमारे लिए फायदा है, नहीं हमारा क्या छोटू का फायदा, उसकी गाड़ी है, नहीं नहीं गाड़ी उसकी नहीं है, 100 रुपये सब में बैठेंगे ना भाई, हाँ छोटू तुम्हारे भाई 100 रुपये डन है, गुटका खाया बात ही हुई थी, सब में डन है, आप 50-50 रुपये प्लस होते चलेंगे जितनी बार खाएगा ये 50 रुपये। तो फाइनली गाइस आप देख सकते हैं सब लोग लाइन में खड़े हैं और हम लोग देंगे डबल टोल, तो हमारे पास पैसा है कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पीछे मुनीम जी बैठे हुए हैं, निशु निकालो 120 रुपये, तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे को, बाकी हम यहाँ डबल टोल पे करेंगे आराम से 120 रुपये। देखो हम इसलिए फटाक से सूटम सुधारे तो फास्टैग से भी तेज है, तो छोटू आप 500 का नोट अब तोड़वाएंगे, ये रहा नोट, और अभी देखना टोल यहाँ पे अपना डबल हम पे करेंगे बिकॉज हमने फास्टैग नहीं लगवाया, हमारा फास्टैग लगा हुआ है लेकिन काम नहीं कर रहा, धान काटती है ना, ये हाँ धान काटने वाली गाड़ी है, अच्छा जी देख लीजिए धान काटने वाली पूरा वो घूम रहा है ऊपर से पूरा, ओके अरे अरे गाड़ी वाले को क्या दिक्कत है यार, जब तक है ट्रेन का पूरा इंजन लग रहा है, ट्रेन का इंजन नहीं लग रहा है, ये गाड़ी वाला परेशान कर रहा है, मैं डबल टोल पे नहीं करूँगा और हमारे पास फास्टैग नहीं है, क्या हुआ भाई ये क्या देखो ये बसुड़ी। तो फाइनली गाइस अब हमारा नंबर है, अब हमारा जा रहा है 500 का नोट, तो बाकी देखते हैं हमारा कितने का है भैया, कितने 200 उतने में फास्टैग लगा लेते हैं, तो आपकी मूल गाड़ी ले लो 500 कोई नहीं, निशु 2 गुटके खाएगा हमारे कवर हो जाएंगे भाई, यार अमन भाई यार तुम चलो कोई नहीं, टाइम लगेगा 3 दिन बता रहा हूँ तुम्हारे को, टाइम 5-10 मिनट लगता है, नहीं वापसी में नहीं लगेगा भैया, सिंगल डे का काटना, सिंगल डे का काटा, तो गाइस हमारा देख रहे हो कितने का टोल कटा है, कितने की पर्ची कटी हमारी 210 रुपये की, आप देख सकते हैं एक मिनट ये देखिए पर्ची ध्यान से देखिए, 210 रुपये का हम लोगों ने डबल पे करा है, डबल मतलब समझ लो डबल पे सिंगल साइड पे, और ये टोल वैसे 110 रुपये का है मेरे हिसाब से, मतलब 105 का, ये लो भाई दीपू पैसे पकड़ो पहले गिनो अपने पैसे, कोई नहीं पैसा, नीशु के गुटके में कवर हो रहे हैं, तो अब यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा यहाँ से रोड एकदम मक्खन है, सूतम सूत बिल्कुल मक्खन रोड है, कोई कहीं पे कुछ उबड़ खाबड़ नहीं, आराम से सूतम सूत जाएंगे फर्स्ट क्लास।
सो फाइनली गाइस हम लोग अभी भटक गए थे रास्ता, और वो तो एक गाड़ी वाले ने रुक रहा तो हमारे को रास्ता पता चल गया थोड़ी बहुत। हमने अपने हमारे कुछ बंदे हमारे से आगे भी हैं तो हमने उनसे लोकेशन भी मंगा ली। बाकी अब कोई दिक्कत नहीं है और हम फर्स्ट क्लास अपना जा रहे हैं, बाकी सब कुछ बढ़िया चल रहा है फर्स्ट क्लास। अब हम गाड़ियों के पीछे माइक नो चल रहा है, अभी चलेगा तेजू भैया माइक थोड़ा तो। बाकी अब निशु जी हमारे को गुटखा खाते हुए पकड़े गए थे आज यहाँ पे, 100 रुपए का उनकी पेनल्टी है। गुटखा खाते हुए गाड़ी के अंदर अगर पकड़े जाओगे तो कोई भी 100 रुपए की पेनल्टी है। एक ही बार बता रहा नहीं तो समझोगे कई सारी पेनल्टी। और 50-50 रुपए नेक्स्ट टाइम की बात है अगर दोबारा खाते हुए। यार सभी ब्रो देखो कितना हैवी यूज ट्रैफिक आ रहा है इधर से, मतलब रात के 3 बज रहे हैं और ट्रैफिक इतना है, मतलब इतने लोग मतलब शनि राम मंदिर जाते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। 3:30 बजे लेकिन देख रहे हो आप HR और दिल्ली की गाड़ियां सबसे ज्यादा हैं यहाँ पे, हार्डली सबसे ज्यादा। आप देखो कितना ट्रैफिक, मतलब इतना ट्रैफिक आ रहा है, आई जा रहा है आई जा रहा है, और इधर से जा भी जाए। हम लोग भी 4 बजे तक हार्डली पहुंच जाएंगे, 4 बजे हम परिक्रमा करना शुरू कर देंगे, 5 बजे तक परिक्रमा कर लेंगे हम, मंदिर के दर्शन हमारे 6:30 बजे तक हो जाएंगे, 6 बजे दर्शन होके हम यहाँ से 6 बजे निकल लेंगे बाकी बिहारी के लिए। बाकी बिहारी हम पहुंच जाएंगे मंदिर खुलने के टाइम पे 8 बजे। ओके तो सर फिर आप आके सीधा आपसे मंदिर में मिलते हैं। फाइनली गाइज वी आर नाउ रीच एट शनिधाम कोकिला धाम मंदिर, और मैं आपको बता नहीं सकता कि हमारे को यहाँ पे ज़्यादा कुछ पहुँचने में दिक्कत नहीं हुई है, बाकी ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से यहाँ पे खेती खेत है और मौसम थोड़ा प्लेजेंट सा वेदर है, ज़्यादा कोई ठंडी ठंडी नहीं है। वेदर अपना जो है 25-26 डिग्री सेल्सियस है, आराम से दर्शन वर्शन करेंगे फर्स्ट क्लास। अब आपको ले चलते हैं आगे, थोड़ा पानी वानी पी लेते हैं, यहाँ पे वॉशरूम वॉशरूम कुछ नहीं है, ओपन में है सब कुछ। बाकी मैं अभी आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा आगे, ये देखिए सामने मंदिर के दर्शन है और भीड़ देखिए यहाँ पे फुल टू फुल पूरा क्राउड देख रहे हो, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं चारों तरफ, कोई किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। ये शायद हमारे यार दोस्त आए हैं, 2 गाड़ी भर के 10 बंदे आए हैं फर्स्ट क्लास। देख लो चारों तरफ देख लो आप, सिर्फ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिखेंगे कितनी दूर दूर तक, तो बहुत इस मंदिर की मान्यता है। भूख लग रही है, ठंड पे ठंड लग रही है, मेरे को कुछ नहीं लग रही यार, तुम लोग पता नहीं कैसे बंदे हो खस्सी। और ये हमारे गुटखाबाज दिखते हुए देख रहे हो, ये गुटखाबाज वाले अभी भी गुटखे की स्मेल आ रही है इसके पास से खड़े होके बताओ और क्या। तो चलो अब आगे आपके लिए चलते हैं राह की दुनिया पे।